तो दो श्लोक हैं, मेरोर हरेश्च द्वे वर्षे वर्षम हैमवतम ततः क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारतम वर्षमासदत्त। स देशान विविधान पश्यन् चीन हूण निषेवितान। ये महाभारत के श्लोक हैं। अर्थात एक समय में व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल, अर्थात जिसको इस समय अमेरिका कहते हैं, उसमें निवास करते थे। लो, अमेरिका में रहते थे। अमेरिका वासी हो गए। कौन? व्यास जी इतने बड़े ऋषि थे, भारतीय थे और अमेरिका में रहते थे, तो जाना कोई बुरी बात थोड़ी है। वो भी जाते थे, रहते थे वहाँ। शुकाचार्य ने अपने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है व अधिक है? व्यास जी ने जानबूझकर उस बात का प्रत्युत्तर ना दिया, जानबूझ के उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे। भाई आपको पढ़ा तो दिया, फिर दोबारा क्यों कहते हो साहब हमें पढ़ाओ? तुम आलसी हो, पढ़ते हो नहीं और फिर बार बार हमारी एनर्जी वेस्ट करते हो। साहब फिर पढ़ाओ जी, फिर पढ़ाओ जी। हैं, एक बार पढ़ा दिया, तुम्हारी अक्ल कहाँ गई थी? तुम पढ़ते नहीं ध्यान से, ठीक से पढ़ो। अब दोबारा मेहनत करो, पाठ याद करो, दोहराओ, दिमाग पे जोर डालो, उसको याद करो, आएगा याद। इसलिए पढ़ते समय ध्यान रखो, एक ही बार पढ़ना चाहिए। बुद्धिमान वो होता है जो एक ही बार में सीखे, बाकी अपना रिवीजन करता रहे, उसको डेवलप करता रहे। एक आध कोई शंका बच गई तो पूछ ले, ये थोड़ी कि सारा पाठ दोबारा पढ़ाओ, वो तो अनाड़ी आदमी। तो इसलिए व्यास जी ने जानबूझ के उत्तर नहीं दिया। दूसरे की साक्षी के लिए अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र, तू मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न राजा जनक से कर, वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर शुकाचार्य पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले। प्रथम मेरु अर्थात हिमालय से ईशान, उत्तर और वायव्य दिशा में जो देश बसते हैं उनका नाम हरिवर्ष था, अर्थात हरि कहते हैं बंदर को। उस देश के मनुष्य अब भी लाल मुंह वाले, रक्त मुख, लाल मुख वाले, लाल मुंह वाले अर्थात बानर के समान भूरे नेत्र वाले होते हैं, जिन देशों का नाम इस समय यूरोप है, उन्हीं को संस्कृत में हरिवर्ष कहते हैं। उन देशों को देखते हुए, जिनको हूण यहूदी भी कहते हैं, उन देशों को देखकर चीन में आए, अमेरिका से चीन तक आए। उन्होंने कहा जाओ वहाँ जाकर के बात करो। उन देशों को देखते हुए हूण, जिनको यहूदी भी कहते हैं, उन देशों को देखकर चीन में आए। चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आए। इतनी लंबी यात्रा करके आए, तो देश विदेश जाते भी थे, आते भी थे, तो इसमें कोई पाप नहीं है। बड़े बड़े ऋषि लोग जाते थे, इतने इतने विद्वान जाते थे। और श्री कृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात जिसको अग्नियान नौका कहते हैं, उस पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को लेकर आए थे। उद्दालक ऋषि भी वहाँ रहते थे, हाँ पाताल में, वो उनको भी जाकर लेके आए फटाफट। अग्नि नौका, स्टीमर शिप, इस तरह से। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार, जिसको कंधार देश कहते हैं, वहाँ की राजपुत्री से हुआ, हाँ। और माद्री पांडु की स्त्री ईरान के राजा की कन्या थी। अर्जुन का विवाह पाताल में, जिसको अमेरिका कहते हैं, वहाँ के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ। जो देश देशांतर द्वीप द्वीपांतर में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकती? ये सब विदेशी फॉरेन ट्रिप मारते थे, तभी तो वहाँ की लड़कियाँ ला ला के शादी करते थे, यहाँ रानी बनाते थे। तो जो देश देशांतर द्वीप द्वीपांतर में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकती थी? मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है, टैक्स लगेना, समुद्र में जो शिप जाता है उस पर टैक्स लगाओ, लिखा है मनुस्मृति में, मतलब जाते होंगे तभी तो टैक्स लेने की बात आई। वह भी आर्यावर्त से द्वीपांतर में जाने के कारण से है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमंत्रण देने के लिए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में गए थे। जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्यावर्तीय लोग आर्यावर्त देशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिए, सैर सपाटे के लिए भी जाते थे। जैसे आजकल लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, कोई सिंगापुर जाता है, कोई कहाँ जाता है, तो इस तरह से घूमने में भी जाते थे।
जो आजकल छूत छात और धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों को बहकाने और अज्ञान के बढ़ने से है। बाकी जाने से कोई धर्म नष्ट नहीं होता। आपका आचरण ठीक होना चाहिए, वैदिक होना चाहिए, कहीं भी घूमो कहीं भी जाओ। पाठ को विराम, शंका समाधान, जिनको प्रश्न पूछना हो पूछिए। रेज हैंड करेंगे वो पर वही जूम एप्लीकेशन वाला रेज हैंड करेंगे तो वृतिका बहन जी मुझे बताएंगी किसका हाथ ऊंचा उठाए, फिर उसको प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। क्रम से व्यवस्था बनाए रखेंगे। हाँ जी वृतिका बहन जी बताइए किसने पूछा है। जो हाथ ऊंचा करेगा रेज हैंड उसको उत्तर दिया जाएगा। बोलिए हाँ हाँ नमस्ते जी, पहले मनोज जी का नंबर है। हम बोलिए मनोज जी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, बोलिए बोलिए बोलो बेटा। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। इनका सवाल दोहराता हूँ। इन्होंने एक बच्चा है वो पूछ रहा है कि कल आपने बताया था दो विद्वान हों ब्राह्मण, एक ऊंचा एक छोटा, तो ऊंचे वाले को पहला स्थान देंगे। इन्होंने पूछा है कि अगर दोनों बराबर के हों तो क्या करेंगे। जब दोनों बराबर के हैं तो दोनों को समान बराबर स्थान देंगे, बराबर सम्मान करेंगे, दोनों को एक साथ बिठाएंगे, आइए आइए स्वागत है। ठीक है बेटा। अच्छा हाँ धन्यवाद बेटा। और बोलिए जिसको प्रश्न पूछना हो बोलिए। हाँ जी आगे किसका नंबर है। हाँ रचना माता जी बोलिए प्रश्न। नमस्ते माता जी बोलिए जी। जी जी ये सच नहीं है। इनका प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है मोक्ष के लिए, वो तो ज्ञान तो अंदर से ही फूटेगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो माता जी ऐसा कहना गलत है। अगर मोक्ष का ज्ञान हमारे अंदर से फूटेगा तो इंजीनियरिंग का और मेडिकल का और साइंस का ज्ञान और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का ज्ञान अंदर से क्यों नहीं फूट रहा, उसके लिए स्कूल कॉलेज क्यों जाना पड़ रहा है। अगर साइंस पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, मेडिकल के लिए कॉलेज जाना पड़ता है, तो अध्यात्म सीखने के लिए भी जाना पड़ेगा, वो भी तो अंदर से नहीं फूट रहा, कोई भी नहीं फूट रहा, इसलिए झूठ है ये बात। जी और बोलिए जिसका प्रश्न हो और बोलिए। हाँ सुमेधा जी पूछिए। नमस्ते जी। हाँ जी हाँ तो वो आपने गलत सुना है, पुराण के आधार पर सुना है, ये वेदों के आधार पर ऋषियों के आधार पर है। पाताल लोक अमेरिका का नाम है, भूमि के अंदर कोई लोक नहीं है। वहाँ तो गर्मी है खतरनाक, आप 100 फीट नीचे नहीं टिक सकते, इतनी गर्मी है ज़मीन के अंदर, वहाँ टिक नहीं सकते। जी जी और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। जेपी शर्मा जी बोलिए। जी नमस्ते। हाँ जी पूछिए। ठीक इनका आपका प्रश्न मैं दोहराता हूँ, आपका सबको पता चल जाएगा। तो इनका प्रश्न है कि जो हम संध्या करते हैं तो प्रत्येक मंत्र का अर्थ साथ साथ दिमाग में नहीं आता, तो
हम ये चाहते हैं कि मंत्र बोलते जाएं, अर्थ भी साथ साथ आता जाए, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो उत्तर यह है कि अगर आप चाहते हैं मंत्र के साथ साथ अर्थ भी आ जाए, याद आ जाए, तो इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मंत्र को पढ़िए, पुस्तक खोलकर आँख से देख करके पढ़िए, फिर उसका अर्थ पढ़िए। 6 महीने तक रोज़ आँख खोलकर पुस्तक को पढ़िए, मंत्र पढ़िए, अर्थ पढ़िए, मंत्र पढ़िए, अर्थ पढ़िए। 6 महीने तक रोज़ पढ़ेंगे तो आपको फिर याद हो जाएंगे। जब ये याद हो जाएंगे तब ये आपकी समस्या हल हो जाएगी। फिर क्या होगा, तब भी दो ऑप्शन रहेंगे। एक तो ये रहेगा कि आपने मंत्र बोला और अभी भी अर्थ का अभ्यास कम है, तो चिंता कुछ नहीं है। तब क्या करना, आँख बंद करके ईश्वर का ध्यान करना, मंत्र बोलना, उसके बाद अर्थ को दोहराना, एक एक शब्द का अर्थ बारी बारी से दोहराना। पूरे शब्दों का, मंत्र के पूरे शब्दों का अर्थ दोहरा लिया, फिर थोड़ा सा भावार्थ एक दो लाइन में संक्षेप से दोहरा लेना। एक ढंग तो ये है। फिर ऐसे करते 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 और साल दो साल निकल जाएगा, फिर वो आपको बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएगा एक एक शब्द का अर्थ। फिर 3-4 साल के बाद ये स्थिति आएगी जो आप आज लाना चाहते हैं, इसमें 3-4 वर्ष लगेंगे। तो चिंता ना करें, हिम्मत रखें, धीरे धीरे करते जाएं, फिर एक दिन आ जाएगा कि मंत्र के साथ साथ ही अर्थ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी? जी साहब, हाँ जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और जिनका प्रश्न हो बोलिए जी। प्रेम सचदेवा जी बोलिए। नमस्ते जी, जी बोलिए। अब आ रही है, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ जी, महात्मा जो है ये ऊंचा स्तर है। धर्मात्मा तो मजदूर भी हो सकता है, चपरासी भी हो सकता है, ईमानदार हो, सच्चाई से काम करे, टाइम पर काम करे, मेहनत से काम करे, बुद्धि से काम करे, वो धर्मात्मा। और महात्मा वो है जो विद्वान हो, परोपकारी हो, तपस्वी हो, वैरागी हो, सबका भला करता हो, उच्च स्तर की विद्या हो, वो महात्मा है। ठीक है? हाँ, महात्मा स्तर से ऊपर और उठेंगे तो वो मोक्ष में जाएंगे, वो मोक्ष के नज़दीक हैं। धर्मात्मा तो कोई भी हो सकता है, महात्मा लोग मोक्ष के नज़दीक हैं। जी ठीक है जी, धन्यवाद जी। और किसका? अमित जी, हाँ अमित जी बोलिए। नमस्ते, किसके बारे में? प्राणायाम, हाँ ठीक है, प्राणायाम बोलिए। कितने कितने प्राणायाम करते हैं सुबह शाम? अच्छा, सुबह 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 या अभ्यंतर एक दो बार या शाम को? ठीक है, सुबह 8-9 करते हैं, शाम को कितने करते हैं? अच्छा ठीक है ठीक है। अब बोलिए। ठीक है, ये आभ्यंतर प्राणायाम, दो प्राणायाम करते हैं, वो कितने टाइम से कर रहे हैं? 2 महीना 3 महीना 6 महीना कितना? हाँ, तो इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, 3, 4, 5 तक भी कर सकते हैं, और इसको भी 3-4 साल तक करें आभ्यंतर वाले को। सुबह बाह्य करना, शाम को अभ्यंतर करना, दोनों प्राणायाम एक समय में नहीं करना। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी। और किन का प्रश्न है? विजेंद्रानंद जी बोलिए।
नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आजकल नहीं रहना चाहिए, आजकल तो भ्रष्ट हो जाएंगे। आजकल नहीं रहना चाहिए, आजकल ठीक नहीं है। आजकल तो कोई दो दिन चार दिन के लिए गया, घूम घाम के आ गया, या कोई व्यापार के लिए गया, वो दो चार दिन व्यापार करके आ गया, ठीक है, बाकी वहाँ रहना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, हानिकारक है जी। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ ठीक है। नहीं, शाम को कर सकते हैं, मौसम ठंडा हो, दिन डूब जाए, संध्या काल हो, गर्मी ना हो, तो आप शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो पॉल्यूशन से बच के करें, साफ सुथरी जगह पे करें। अगर आपको ऐसा लगता है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो ना करें, फिर सुबह ही सुबह कर लें, शाम को ना करें, परिस्थिति के हिसाब से चलना जी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? और किसी का प्रश्न? पल्लवी जी बोलिए। नमस्ते, नमस्ते जी, जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। जी ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपका पहला प्रश्न है कि माता पिता हमारी सेवा करते हैं तो हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन मान लो माता पिता का आचरण ठीक नहीं है, उत्तम आचरण नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है कि माता पिता का शारीरिक सेवा तो करनी चाहिए, उनको सम्मान से व्यवहार करना, भोजन खिलाना, दवाई चिकित्सा कराना, सेवा करना, ये फिजिकल शारीरिक सेवा तो करनी चाहिए। और जो वो गलत क्रिया करते हैं उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। वो गलत आदेश दें उसका पालन नहीं करना चाहिए, गलत बात नहीं माननी किसी की भी, कोई भी हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, आचार्य हो, पड़ोसी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, जो गड़बड़ है उसकी नकल नहीं करेंगे, और गलत उपदेश देगा वो भी नहीं सुनेंगे, बस फिजिकली सेवा कर देंगे, भोजन खिलाना आदि आदि इस तरह से। और जो मान लो परिवार में, रिश्तेदारी में कोई खराब आचरण वाला है तो उससे अपना संबंध तोड़ दें, बच के रहें, खुद भी बच के रहें, बच्चों को भी बचा के रखें, वरना वो बिगाड़ देगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, उनको वार्निंग दें, सावधान करें कि आप अपना आचरण सुधार लो, यदि सुधार लेता है तो ठीक है, नहीं सुधारता तो उससे रिश्ता कट, छुट्टी, ये करना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, मेरा उत्तर स्पष्ट है, यदि आप उसके साथ संबंध रखते हैं तो उससे होने वाला नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, और यदि उस नुकसान से बचना चाहते हैं तो संबंध तोड़ना पड़ेगा। आप नहीं तोड़ सकते हैं, वो आपकी समस्या है, मैंने तो रास्ता बताना है, मैंने आपको रास्ता बता दिया, यदि संबंध रखते हैं तो आपको नुकसान होगा। अब आपको दोनों नुकसान की तुलना करनी है, यदि उसके साथ रहते हैं तो कितना नुकसान है, और उससे रिश्ता तोड़ते हैं तो कितना नुकसान है। जिस पक्ष में नुकसान ज़्यादा हो वो काम नहीं करने का, जिसमें नुकसान कम हो वो करने का, लाभ अधिक हानि कम, ये बुद्धिमत्ता की कसौटी है।
यदि साथ रहने में लाभ ज़्यादा है हानि कम है तो साथ रहो, और अलग होने में लाभ ज़्यादा है नुकसान कम है तो अलग हो जाओ। वो हानि लाभ की तुलना आपको करनी है, मैंने तो आपको गाइडलाइन बता दी, ठीक है। चलिए तो मेरा ख्याल है समय समाप्त होता है, विराम देंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।